आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक और एक्शन ड्रामा से ड्रामा फिल्म का। मूवी है डाई इन ए गन फाइट। मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। मूवी की स्टोरी दो कपल्स की, एक बैन परिवार से तो दूसरा राजक्राफ्ट परिवार से। अब ये दोनों परिवार में अपने काम को लेकर एक कॉम्पिटिशन है, जिसके चलते ये दोनों परिवार अपने बच्चों की शादी एक दूसरे परिवार में करना नहीं चाहते। फिर इस मूवी में क्या कुछ होता है वही आपको देखना है। तो मूवी का डायरेक्शन नरेटिव स्टाइल में दिखाया है, जिसमें स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें ये लड़की और लड़के की पास्ट लाइफ, इनकी पर्सनैलिटी और इनके परिवार के बीच के डायनेमिक्स बता दिए जाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो जो काम 20 मिनट में होता है ये इन्होंने 2 मिनट में एनिमेशन और नरेशन में कर दिया। तो 30 मिनट तक मूवी में इसके बाद की स्टोरी चलती, जिसमें इन दोनों के बीच पास्ट में क्या हुआ वो देखने को मिलता है। और जब तक मूवी अच्छी भी थी, पर इसके बाद मूवी में एक नवाद का एंगल घुसेड़ दिया, जिसमें राजक्राफ्ट परिवार को हानि होने वाली है, जिसके चलते वो एक बंदी को मरवाना चाहते हैं। और इसी में मूवी का क्लाइमेक्स छुपाया, जिसमें ये सब रहा था इन कपल्स पर भी आ जाता है। अब पता नहीं मेकर्स ने कौन सा नशा करके ये स्टोरी इसके बीच में डाल दी, जिसको बिना बात के ही क्लाइमेक्स में घुसेड़ दिया, जो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लगने वाला, बल्कि आप यही सोचोगे कि आखिर इसको बनाने की क्या ही जरूरत थी। मतलब लव एंगल तक तो सही था, पर जो ये दूसरा एंगल डाला है वो क्यों ही डाला। तो ऑल ओवर मूवी का डायरेक्शन डिसेंट है, जिसमें सब कुछ अच्छा होता अगर स्टोरी अपनी लाइन पे चलती। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी ज्यादातर डार्क ही है, जैसे कोई बैटमैन की मूवी हो, जिसमें बहुत रिच दुनिया है जो देखने में काफी अच्छी लगती है, वो चमचमाती दुनिया। बाकी मूवी में कुछ सॉन्ग्स है और बीजीएम अच्छा है। तो ऑल ओवर मूवी मेरे लिए तो एक डिसेंट वॉच रही, जिसका डायरेक्शन फिर भी अच्छा था, पर जब स्टोरी बिना बात की हो तो डायरेक्शन भी क्या कर सकता है। बाकी मूवी में कुछ इंटीमेट सीन है, तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5/10। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।